हेलो गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। गाइज, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने लेसन वन और लेसन टू प्रीति डो टाइपिंग किस तरह से करें वो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो दोस्तों, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने फिंगर मूवमेंट्स कैसे देना है, किस तरह से हैंड सेटअप करना है और किस कीबोर्ड लेआउट के बारे में आपको बताया है कि प्रीति डो का कीबोर्ड लेआउट क्या है, कैसा है और किस की पर कौन सा हिंदी का अक्षर है। तो इस तरह से इन दो वीडियोस में मैंने ये चीज़ कवर की है। आपको अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके वो दो वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि अगर हम शुरुआत से टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से टाइपिंग को स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, कैसे हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी है इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ यही हम सीखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सबसे बेस्ट साइट यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि इसी साइट से मैंने भी टाइपिंग स्टार्ट की थी और आज लगभग मेरी 30 से 35 कभी कभी 40 भी हो जाती है स्पीड, तो ये स्पीड आ रही है और वो है इंडिया टाइपिंग। बहुत ही लोग इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन है, ये नेट की ज़रूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए, इससे परिचित होंगे सब लोग, इसके बारे में जानते भी होंगे, कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो लोग ऑलरेडी इस पर टाइपिंग कर रहे हैं या इस पर अभ्यास कर रहे हैं उनको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल टाइपिंग के बारे में अल्फ़ाबेट भी नहीं पता है कैसे करना है, कैसे कहाँ वर्ड मिलेगा, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है टाइपिंग सीखने के लिए। तो दोस्तों, इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर के तहत आप स्टार्टिंग से इसको फॉलो करते अगर चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से टाइपिंग सीख पाएंगे। और मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप कृति दो टाइपिंग बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है टाइपिंग, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर, ये देखिए दिख रहा है टाइपिंग ट्यूटर, क्या दिख रहा है टाइपिंग ट्यूटर। अब इसमें लिखा हिंदी टाइपिंग ट्यूटर कृति देव, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए एक नया यूजर इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये एक नया यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ये देखिए एक्सरसाइज दी हुई हैं, टाइप होम रो कैरेक्टर्स, टाइप होम रो सिंपल वर्ड्स, टाइप सी प्लस होम रो कैरेक्टर्स, टाइप अपर रो कैरेक्टर्स, टाइप अपर रो प्लस 12 कैरेक्टर्स, टाइप सी प्लस अपर रो कैरेक्टर्स, टाइप बॉटम रो कैरेक्टर्स, टाइप रो 10 कैरेक्टर्स, टाइप सी प्लस बॉटम रो कैरेक्टर्स, टाइप ऑल रो कैरेक्टर्स। तो देखिए इन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इन सारी एक्सरसाइज को आप एक एक्सरसाइज को 5 से 10 बार करिए। मेरे कहने का मतलब, अगर आप सबसे पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे टाइपिंग होम रो कैरेक्टर्स, तो इसको आप 5 से 10 बार करिए। फिर इसी तरह से टाइपिंग होम रो कैरेक्टर्स सिंपल वर्ड्स, उसको फिर 5 से 10 बार करिए। इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार करिए। आपको क्या होगा, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि आपको सारे वर्ड्स जो भी इसके कैरेक्टर्स हैं, कीबोर्ड पर फिंगर मूवमेंट आपका आ जाएगा और आपकी उंगलियाँ उस अक्षर को पहचान जाएंगी कि किस की पे कौन सा अक्षर है। आपको उसमें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले सपोज़ मैंने ये खोला, अगर आप जानना चाहते हैं कि होम रो की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अपर रो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लोअर रो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसमें मैंने फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में आपको बता रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने टाइपिंग होम रो कैरेक्टर्स पर क्लिक किया। अब देखिए हमको आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी ये आ जाती हैं, तो इस तरह का ये इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब हमें टाइप करना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें टाइप करना है कृति देव के बारे में भी हम टाइप कर रहे हैं, तो ये हमारा कृति देव लेआउट खुलकर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमें टाइपिंग स्टार्ट कैसे करनी है, आपको वर्ड याद कैसे होंगे। देखिए यहाँ पर एक ग्रीन ए दिख रहा होगा जिसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये है जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी ये चीज़ प्रेस होगी, यानी अंक की बिंदी आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कैप्चर किया और मैंने इस ए को प्रेस किया, अब देखिए ये बिंदी लगी, फिर हमें एक स्पेस देना होगा, ये हमने स्पेस दिया। अब हमें बता रहे हैं कि अगर आप एस प्रेस करेंगे तो आपको एक ही मात्रा लगेगी, तो हमने ये एस प्रेस किया, ये एक ही मात्रा होगी, फिर एक स्पेस देंगे, फिर अब बता रहा है कि अगर आप डी को प्रेस करेंगे तो आपकी का बन जाएगा पूरा का, तो हमने डी को प्रेस किया पूरा का बन गया। फिर बता रहा है कि अगर आप एफ प्रेस करेंगे तो आपको छोटी की मात्रा लगेगी, तो हमने एफ प्रेस किया और ये छोटी की मात्रा लग गई। फिर आप इसी तरह से ए प्रेस करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर एस प्रेस करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर एच प्रेस करेंगे, फिर बड़ी की मात्रा लगाने के लिए आपको देख बता रहा है कि आपको एच प्रेस करना होगा, तो एच प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आपको
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब आप प्रेस करेंगे तो आपको एस बन जाएगा। इस तरह से या बनाने के लिए आपको ये कॉलम और सेमी कॉलम प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह से आप जब प्रेस करते चलेंगे और देखिए जी जब आप एक वर्ड को प्रेस करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर एल को प्रेस किया फिर स्पेस देंगे तो अगले वर्ड को ये ग्रीन कर देगा, यहाँ पर आपका के हो जाएगा। के होने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इस के पे क्या है, के पे अ की मात्रा दिख रही है, तो जब के पे आप प्रेस करेंगे तो ये अ की मात्रा लग जाएगी। इस तरह से आप करते हुए चलेंगे इसको तो आपका जो है ये बनता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह से आप प्रेस करते हुए चलेंगे और ये सारी चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ का इस तरह से आपका जब ये सारी चीज़ें प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी स्पीड को बता देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी स्पीड को बता देगा कि आपकी स्पीड कितनी है। तो देखिए मैंने किया, देखिए स्पीड पर मिनट आपको यहाँ पर ये देखिए बता रहा है कि 16.2 आपकी स्पीड है पर मिनट, एक्यूरेसी आपकी 78% है और स्पीड कैरेक्टर्स पर मिनट आपने 81 किए हैं और यू हैव टाइप टोटल कैरेक्टर्स 159। तो इस तरह से इन सारी एक्सरसाइज को आप दो दो तीन तीन दस से पाँच से दस बार करते चलेंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो की मोमेंट्स हैं यानी कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कैरेक्टर्स को पहचान जाएंगी, आपको वहाँ पर माइंड लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसा मैं कह रहा हूँ बस आपको उसी तरह से करना है। इसी तरह से ये हो जाने के बाद फिर आप जाते हैं इस पर बैक करते हैं, फिर रिटर्न टू एक्सरसाइज इंडेक्स, यहाँ पर एक्सरसाइज इंडेक्स में जाकर फिर से रिटर्न कर जाइए और रिटर्न होने के बाद आपके सामने फिर से वही पुरानी विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उस विंडो को फिर दोबारा ओपन होने के बाद आप फिर से इसी एक्सरसाइज को करिए। इसी तरह से 5 से 10 बार एक एक्सरसाइज आप करते चलिए। होम रो होने के बाद आप सिंपल वर्ड्स इनसे टाइप करिए कि होम रो से कौन कौन से सिंपल वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का भी ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि वहाँ पर आपको कैसे टाइप करना है। तो जब तक आप ये होम रो कीज़ और अपर रो कीज़, लोअर रो कीज़, इन कीज़ को अच्छे से अभ्यास नहीं कर लेंगे तब तक दोस्तों ये आपका उंगली सेटअप नहीं हो पाएंगी और आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। आप अक्षर को ही नहीं पहचान पाएंगे कि किस इंग्लिश के किस अक्षर पे हिंदी का कौन सा अक्षर है। इसको जानने के लिए आपको हर एक एक्सरसाइज को कम से कम 5 से 10 बार करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये खुलकर आ गया है तो हम देखिए आपको बता देते हैं इस तरह कह के चलना है। इस तरह से करते हुए ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी देखिए स्पीड बता दिया। देखिए हमारी क्या है, स्पीड पर वर्ड 44 यानी 44 की आपकी स्पीड आ रही है, एक्यूरेसी 96% है और आपने करेक्टर दो तो 139 टाइप किए हैं। तो इस तरह से फिर आप इंडेक्स पर बैक करेंगे। अब आपको बता देता हूँ जब ये सारी एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपको क्या होगा, मैंने बताया आपको 5 से 10 बार हर एक एक्सरसाइज को करना है। मैंने बताया किस तरह से करना, जो ग्रीन वर्ड आपको दिखेगा उसको देखकर टाइप करेंगे, माइंड में आपके ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि किस उंगली को किधर, जब कौन सी उंगली किधर जाएगी कि कौन सा अक्षर हिंदी का बन जाएगा कृतिदेव में। और दोस्तों यहाँ पर कृतिदेव 16 और कृतिदेव 10 में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जहाँ से उसमें वो श बनता है वहाँ से उसमें वो दूसरा वाला श बनता है, बस इन दो अक्षर का फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है और थोड़ा सा जो राइटिंग स्टाइल है वो उसमें चेंज है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बता देते हैं। अब देखिए अब जब ये हो जाएगा तो आप टेस्ट टाइपिंग टेस्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट ऑन करेंगे, ये देखिए कृतिदेव
हिंदी टाइपिंग टेस्ट इस पर कर सकते हैं या हिंदी टाइपिंग टेस्ट पर कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट पर जब हम करेंगे तो ये कृति देव के ही ओपन करेगा। ठीक है दोस्तों, ये कृति देव के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो यहाँ पर कृति देव आपका ओपन कर देगा ये। अब देखिए आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग टेस्ट की, और आपका कैसे पता करना है कि हमारी कितनी स्पीड हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखिए, जैसे आपका नाम, आप अपना नाम कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने वी डाल दिया, वी नाम हो गया। उसके बाद आप कितने मिनट की टाइपिंग करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए हम दो डालते हैं यहाँ पर, दो मिनट की टाइपिंग करना चाहते हैं। फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप स्टार्ट, आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह की जो है विंडो खुलकर आ जाएगी, अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो उस पर क्या होगा, उस पर एक आपको डिस्प्ले मिलेगा जहाँ पर आपको लिखा होगा कुछ पैराग्राफ या कोई पैसेज लिखा मिलेगा, और उस पैसेज को ही आपको टाइप करना है। तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज लिखा हुआ मिल रहा है, और आपको क्या करना है, ये नीचे इस पैसेज को टाइप करना है। तो अब यहाँ पर आप टाइप स्टार्ट कर सकते हैं इस पैसेज को यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बता देते हैं, भारत वर्ष की लगातार अत्यंत अत्यंत त्रुटि शिक्षा का ये कमाल है कि हम अपने अपने देश में ही अपने आप को विदेशी आमरकारी की संज्ञा से संबोधित करते हैं, जिसके कारण बहुत लोग और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, अपनी को हार और कुछ को द्रविड़ बताते हैं, और जिसके कारण उनके हृदय एक नहीं हो सकते हैं, और वो अपने आप को अलग संतत का मानते हैं। ये बड़ी ही और तो इस तरह से आप टाइपिंग यहाँ पर करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मेरी स्पीड कम हो सकता है क्योंकि मैंने कुछ दिनों से प्रैक्टिस नहीं की। तो यहाँ पर आपको देखिए बता देगा कि ग्रॉस आपकी है 36, नेट स्पीड है आपकी 27। देखिए ग्रॉस और नेट में डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी ग्रॉस स्पीड होती है वो होती है आपने गलत और सही कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, और नेट स्पीड वो होती है कि आपने करेक्ट वर्ड्स कितने टाइप किए हैं। तो आपकी जो नेट स्पीड यहाँ पर 27 दिखा रहा है और 36 ग्रॉस स्पीड है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आप अपनी स्पीड का भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारी स्पीड है। सबसे पहले आपको उन एक्सरसाइजेस को करना होगा 5 से 10 बार, जिससे आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी, आपको सारे करेक्टर्स याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। तो बस आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं तक सीमित है, आपको बताना था कि आप शुरुआत से प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको इसका लिंक चाहिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट इंडिया टाइपिंग का, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, अगर आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इसके लिए नेट की आपको जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।